हाय गाइस, जैन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एनसीसी कैंप के कितने तरह की बैचे होती हैं। ये जो पहला बैच दिख रहा है आपको, ये इंटर ग्रुप कंपटीशन है जो कि आरडीसी कैंप का जो स्टार्टिंग होता है, तो उसमें बीच में जाके ग्रुप कंपटीशन होता है, तो ये उसका बैच है। उसके बाद ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का बैच है, जो कि पहले इसका नाम एनआईसी कैंप था, अब इसका नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत कर दिया गया है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रैकिंग कैंप का बैच है जो कि ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप है। और ये जो बीच में छोटू सा है, ये बैच सीएटीसी का बैच है, कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग, ये बेसिक कैंप होता है। और ये जो बैच है एनसीसी लिखा हुआ, ये बैच एनसीसी इनरोलमेंट बैच है। ये कोई भी कैडेट जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं वो लगा सकते हैं इसको, इनरोलमेंट नॉर्मल सा बैच है। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आरडीसी का बैच है, रिपब्लिक डे कैंप। और नेक्स्ट जो है ये वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो इंटरनेशनल कैंप है, ये उसका बैच है। और ये जो बैच आपको दिख रहा है, ये टीएससी थल सैनिक कैंप का है। ये नेक्स्ट बैच ये आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि एनसीसी कैडेट को मौका मिलता है, वो अटैचमेंट कैंप है, ये उसका बैच है। माउंटेनिंग एक्सपेडिशन कैंप, माउंटेनिंग कैंप में भी एनसीसी कैडेट को मौका मिलते हैं, तो ये बैच जो है ये माउंटेनिंग कैंप का है। पैरा बेसिक ट्रेनिंग कैंप, ये जो बैच आपको दिख रहा है, ये पैरा बेसिक ट्रेनिंग कैंप का है, जिसमें एनसीसी कैडेट को भी मौका मिलते हैं जाने का। लीडरशिप कैंप, लीडरशिप का भी एक कैंप होता है एनसीसी कैडेटों के लिए, तो ये जो बैच दिख रहा है आपको, ये लीडरशिप का बैच है।